पश्चिम बर्धमान आसनसोल नियामतपुर। कुल्टी के नियामतपुर में पेट्रोल पंप के पास जीटी रोड के किनारे पीने योग्य पानी का पाइप फट गया। ये घटना गुरुवार की है। नतीजतन आसनसोल के वार्ड नंबर 59 के नियामतपुर समेत विभिन्न इलाकों में पेयजल आपूर्ति ठप हो गई। नगर निगम क्षेत्र के लोग अत्यधिक परेशानी में हैं। पानी का पाइप फट गया, फिर फटी हुई पाइप से बड़ी मात्रा में पानी निकलने लगा। इस मामले की सूचना स्थानीय पार्षद जाकिर हुसैन को दी गई। हालांकि अभी तक कोई पहल नहीं हुई है फटे पाइप को ठीक करने के लिए। बताइए तो। अरे कल 1 बजे से पाइप फटा हुआ है। हम जाकिर भाई को फोन किए हैं कि जरा खबर दे दीजिए, अभी तक कोई आदमी नहीं आया। मेरा गैरेज में देखिए पूरा पानी भरा हुआ है, तो हम पूरा परेशान है कल से। ठीक है, पीएचसी का पाइप लाइन है, मेन लाइन है, किसका है हमको नहीं मालूम, मेन लाइन है। अच्छा, कोई पीएचसी अधिकारी नहीं आया अभी तक? कोई नहीं आया। बोलो 24 घंटा होने वाला है, 24 घंटा का 1 बजे 24 घंटा हो जाएगा। कल दिन 1 बजे से है और इसी तरह से पानी भर रहा है, इसी तरह से पानी भर रहा है। इतना आदमी को परेशानी है, कोई सुनिए नहीं रहा है कोई। आपका नाम बोलिए। आलम मिस्त्री। मेन पाइप कलेक्शन जो घर घर जो दिया गया है, वही कलेक्शन जो है लिख दिया है, फटा है और ग्रेड में पानी जो है भर रहा है। हम लोग इससे परेशान हैं। दूसरी बात, कोई भी इसका अधिकारी आया नहीं है और हम लोग एजेंट को रिपोर्ट भी दिया है, जो हमारे मौजूदा काउंसलर है उन्होंने भी फ़ोन किया है अगला को, लेकिन कोई अधिकारी आया नहीं। आपका नाम बोलिए। MDS पार्क।